अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 99वीं जयंती समारोह 4 मार्च को टाउन हॉल के प्रांगण में सुबह 11 बजे से मनाया जाएगा। इस अवसर पर माटी के गौरव रेणु नाम से संपादित कृति अतिथियों के द्वारा लोकार्पित की जाएगी। आयोजन में सीमांचल सहित राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। साहित्यकार रामनरेश भक्त ने कहा कि इस आयोजन में कई नामचीन साहित्यकार शामिल होंगे। यह एक सामाजिक संस्था है, नवनिर्माण मंच के ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जो समाज को गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि अपनी मूल्यवान सृजना से जिन साहित्य मनीषियों ने पूर्णिया माटी को मर्यादित और गौरवान्वित किया है, उनमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम अग्रगण्य है। साहित्य के मीमांसकों ने उन्हें कालजयी कथाकार, क्रांति धर्मी कथाकार, अप्रतिम आंचलिक कथा शिल्पी, शब्दों का जादूगर, लोक सांस्कृतिक चेतना के कथाकार तथा संक्रांति काल का सर्वाधिक सचेत और चौकन्ने कवि कथाकार के रूप में स्थापित और व्याख्यायित किया है। आगे इन्होंने कहा कि रेणु ने हमें उपन्यास, कहानी संग्रह, रिपोर्ताज, संस्मरण, नाटक एवं कवितादि के रूप में लगभग 25 कृतियां दी हैं, जिसका फैलाव तकरीबन 3,500 पृष्ठों में है। उनकी कथाओं के शाब्दिक संगीत मयता के साथ संपूर्ण पुरैनिया गाता हुआ नजर आता है। वे आधुनिक हिंदी कथा साहित्य के सरताज और पूर्णिया माटी के गौरव हैं। रेणु साहित्य के गवेशी रचनाकार डॉक्टर भारत यायावार इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर पूर्णिया नवनिर्माण मंच के सौजन्य से प्रकाशित 325 पृष्ठों की पुस्तक माटी के गौरव रेणु के अतिथियों द्वारा लोकार्पित किया जाएगा। नवनिर्माण मंच के सचिव अरुण कुमार विश्वास ने कहा कि रेणु एक कालजयी कथाकार थे। विदित है कि पूर्णिया नवनिर्माण मंच पूर्णिया की एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था ने सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में शहर में अपनी अग्रणी भूमिका निभाकर बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्य किए हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज साहित्य, जबकि सरकार के मुख्य एजेंडे से भी बाहर की चीज है, संस्थान, विभाग, प्रशासन सभी हिंदी के प्रति अपनी रुचि दिखाने से पीछे हट रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि पूर्णिया नवनिर्माण मंच प्रत्येक वर्ष रेणु केंद्रित साहित्य का सृजन और संपादन करा करके अपने लोगों में, प्रबुद्ध जनों में वितरित करता है, तो ये बड़ी साहित्यिक उपलब्धि होती है। और नवनिर्माण मंच का यह सारस्वत कार्यक्रम हमें बड़ा भाता है कि चलो, जिस माटी के रेणु थे, जो माटी रेणु से मर्यादित और गौरवान्वित है, उसके फैलाव के लिए, विस्तार के लिए, कला संस्कृति और साहित्य को जीवंत बनाए रखने के लिए पूर्णिया नवनिर्माण मंच यदि इस तरह के सारस्वत कार्यक्रम को करता है, तो हमें खुलकर इसकी सराहना करनी चाहिए। रेणु आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखकों की सूची में हैं। उनके साहित्य का प्रसार वहां तक है जहां तक यह भूतल फैला हुआ है, जहां तक हमारा जैविक उद्यान फैला हुआ है। जहां भी इस भूतल पर पिछड़े हुए गांव हैं, गरीबी में, अशिक्षा में लोग जी रहे हैं, रेणु का मेरीगंज वहां खड़ा है एक नई सुबह की आस लेकर। इसलिए रेणु अब न सिर्फ कोसी और सीमांचल के साहित्यकार हैं, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हैं। और उनका जो साहित्यिक उनकी देन है,
वह विविध क्षेत्रों की है। उन्होंने हमें कई उपन्यास दिए, रिपोर्टाज दिए, कहानी संग्रह दिए, नाटक दिए, कविता की पुस्तकें दी, संस्मरण आदि दिए। ये रेणु की कृतियां लगभग 3,500 पृष्ठों में, जो जिसे भारत अयावर ने 25 पुस्तकों के रूप में अब तक गवेषणा के आधार पर प्रकाशित कराया है। ये सुखद संयोग है कि रेणु के वह गवेषी साहित्यकार भारत अयावर हमारे इस 4 मार्च को आयोजित रेणु जन्म जयंती समारोह में शिरकत करेंगे और प्रमुख वक्ता की हैसियत से, रेणु विशेषज्ञ की हैसियत से उसमें वो अपनी साझेदारी निभाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे कोसी अंचल के सभी नामचीन साहित्यकारगण इसमें शिरकत कर रहे हैं और पूर्णिया के गणमान्य प्रबुद्धजन भी अपने भागीदारी निभा रहे हैं और इस आयोजन के वे साक्षी होंगे। नवनिर्माण मंच और भी कार्य करता है। विगत 4 वर्षों से जहाँ तक मुझे मालूम है, और मैं भी उसमें लगभग रहा ही हूँ, कि 4 वर्षों से इसने स्थानीय विविध सेवा में जुड़े लोगों में जो प्रमुख शख्सियत हैं उन्हें मंच पर सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया है, उनका उत्साह वर्धन किया है। और इस बार भी ऐसी योजनाएं हैं कि सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले युवा से लेकर अधवर्जु और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया जाए, और यह हमारी योजना है। हम 4 मार्च को रेणु की 99वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। 5 मार्च को रेणु 100वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे और पूर्णिया नवनिर्माण मंच की योजना है कि 100वें वर्ष में हम रेणु की एक आदम कद प्रतिमा पूर्णिया में स्थापित करें, एक विस्तृत और विशाल ग्रंथ का प्रकाशन हो जिसमें रेणु की जीवनी से लेकर के रेणु के सभी साहित्यिक अवदानों की विशेष चर्चा हो, देश भर के विद्वान लिखें। इस बार भी जो पुस्तक आ रही है, संपादित कृति माटी के गौरव रेणु, उसमें लगभग देश के सभी नामचीन यूनिवर्सिटियों के जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं या हिंदी प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपने आलेख भेजकर हमें उपकृत किया है और उसका एक बृहद संकलन 325 पृष्ठों में आ रहा है। आपके सौजन्य से यह पुस्तक विमोचित होगी, लोकार्पण होगा इसका, और मैं समझता हूँ कि रेणु के जो शोधार्थी होंगे, अनुसंधाता होंगे, उनके लिए यह पुस्तक बड़ी कारगर साबित होगी।